राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक नई खबर सामने आई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। वैसे तो एक दिवाली नवंबर में मनाई जाती है और दूसरी दिवाली 22 जनवरी को अब मनाई जाएगी। एक वह दिन था जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, और दूसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। दोनों ही उत्सव अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उद्घाटन के समय अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ देश के सभी मंदिरों में भी पूजा पाठ किया जाएगा। शाम के समय सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम पर दिवाली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश के हर समाज के लोगों से भी अपने अपने घरों के सामने कम से कम 5 दीपक जलाने की अपील की जाएगी। यह भगवान राम की अयोध्या वापसी के तौर पर देखा जाएगा। बता दें, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक स्वतंत्रता हासिल करने के तौर पर प्रचारित कर रही है, इसलिए राम मंदिर निर्माण के दिन दीपावली मनाकर सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रारंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस देश में रहने वाले हर धर्म समुदाय के लोग किसी न किसी रूप में हिंदू रहे हैं और उनकी पहचान भगवान राम और इसकी संस्कृति से रही है। संगठन हर धर्म समुदाय के लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील करेगा। बताया जा रहा है कि उद्घाटन अवसर को भव्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मनाए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में एक सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान अयोध्या में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामान्य लोगों के साथ साथ विशिष्ट लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसे यादगार बनाने के लिए सभी लोगों से इस दिन दिवाली मनाकर इसमें सहभागिता करने की अपील की जाएगी। वहीं धर्म नगरी काशी और अयोध्या में अटूट रिश्ता है। काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु राम की, इसलिए 22 जनवरी को हो रहे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में काशी से भी अनेक धर्माचार्य विद्वान उत्साह के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और काशी में भी हर घर दीप जलाए जाएंगे। तिथि अनुसार खरमास चल रहा है। खरमास 15 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान आयोजन और अन्य कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। अब दिवाली के दिन इलेक्ट्रॉनिक सजावटी लाइट से मंदिरों घरों को सजाने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के दिन लोगों से ज्यादा पारंपरिक दिवाली मनाने की अपील की जाएगी। इसमें दीपक जलाकर घरों को सजाना और गो उत्पादों से निर्मित वस्तुओं से पूजा पाठ करना शामिल रहेगा।